हाय दोस्तों, इस वीडियो में जो मैं प्रोजेक्ट बताने वाला हूं आपको, ये वंडर पार्क है वसई ईस्ट में जो बन रहा है। ये स्टेशन से हार्डली 5 से 7 मिनट का रास्ता है और यहां से वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे 10 से 15 मिनट में आप रीच कर जाते हैं। बिल्कुल सेंटर में ही बन रहा है ये। बिल्डिंग के नीचे से आपको रिक्शा, बस, अगर आपकी प्राइवेट कार है, बाइक है, तो कनेक्टिविटी इसकी काफ़ी अच्छी है। नो पॉल्यूशन एंड नो ट्रैफिक एरिया है। 18 मरले का टावर है, रेप्यूटेड डेवलपर है, माउंटेन व्यू, क्रिक व्यू फ्लैट्स हैं इसमें। आइए देखते हैं कुछ झलकियाँ, उसके बाद में इन डिटेल आपको बताता हूँ। अभी जो झलकियां मैंने दिखाया है वंडर पार्क का, इसका मैं कुछ डिटेल आपको बता दूं। हाय दोस्तों, मैं हूं विकास गोरनवाल, CP यानी चैनल पार्टनर और बिल्डर एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। एक बार फिर से आपका अभिनंदन करता हूं हमारे इस YouTube चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास गोरनवाल में। वैसे तो प्रॉपर्टी के साथ साथ हम लोग होम लोन में भी काम करते हैं। होम लोन के रिलेटेड पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, अगर आपने ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे घर ले लिया है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कम करना है, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले बैंक में अपने अमाउंट का यानी कि बैलेंस अमाउंट का ट्रांसफर करना है, उसके लिए भी आप हमारे टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग 0% ब्रोकरेज में काम करते हैं कस्टमर के लिए, बिल्डर की ओर से। साथ ही साथ प्राइजिंग की बात करूं दोस्तों, हर एक वीडियो में बताता हूं कि प्राइजिंग को लेके अगर पता नहीं होता है ना कस्टमर को कि क्या इसका बॉटम प्राइज है, फाइनल प्राइज है, वहां पे रेट क्या चल रहा है, तो मैं देखा हूं कई बार वो ज्यादा ऑफर करके आ जाते हैं डेवलपर को और 5-5, 10-10 लाख रुपए ज्यादा देके आ जाते हैं। अगर आपको एक्चुअल बॉटम प्राइज भी जानना हो तो भी आप हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पर फोन करें, और प्रॉपर्टी भी खरीदना हो तो भी आप फोन करें। आइए इस प्रॉपर्टी को डिटेल में देखते हैं, फ्लैट कैसा है, क्या कनेक्टिविटी है, साइजिंग, प्राइजिंग, एमिनिटीज, सब कुछ समझते हैं। अभी मैं 2BHK का प्रॉपर्टी आपको दिखाने जा रहा हूं, वंडर पार्क वसई ईस्ट का। आइए देखते हैं, यहां से इसका फ्लैट स्टार्ट हो रहा है। ये 700 स्क्वायर फुट के आसपास इसका कारपेट एरिया है। ये आप देख सकते हैं, इसकी लेंथ पहले मैं दिखा दूं। वैसे ये इस तरफ इसका डाइनिंग एरिया आ रहा है, इस तरफ इसका लिविंग एरिया है। ये हाइट इसकी जो है ना काफी अच्छी दी हुई है, 10 फुट के आसपास इसकी हाइट है, 10 फुट की। ऊपर फॉल सीलिंग बना के आपको ये देंगे, और ये लेंथ देख सकते हैं आप, करीबन 16 से 17 फुट की इसकी लेंथ है। और बाहर आपको 2 से 3 फुट का बालकनी दिया हुआ है। अभी मैं खड़ा हूं सेकेंड फ्लोर पे, तो ये व्यू आ रहा है। जैसे आप, वैसे तो फ्लैट इसके ऊपर जब आप लेंगे 4 से 5 माले के ऊपर, और एक बार विंडो के साइड से पूरा आप हॉल का व्यू देख लें। यहाँ पे आप डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं। इसके बाद का बेडरूम, किचन का भी जो कारपेट एरिया है, काफी जबरदस्त बड़ा बनाया है उन्होंने। आइए देखते हैं, वास्तु को काफी अच्छा ध्यान में रखा हुआ है, क्योंकि सारे के सारे हिंदू लोकैलिटी के लोग हैं इस पूरे कॉम्प्लेक्स में। और ये इसका किचन है, इस तरफ गैस प्लेटफॉर्म, सर्विस प्लेटफॉर्म, मॉड्यूलर किचन, अपर कैबिनेट्स, ये सब एज इट इज आपको बना के देने वाले हैं। जो भी आपको टाइल्स दिखाई दे रहा है, वेरीफाइड टाइल, मार्बल, ग्रेनाइट, ये सब एज इट इज आपको फ्लैट का डिलीवरी मिलेगा। इस तरफ ड्राई बालकनी दिया हुआ है वॉशिंग मशीन के लिए। ये विंडो के साइड से एक बार मैं किचन कवर करके दिखा रहा हूँ। स्टार्ट में आपको फ्रिज का स्पेस मिलेगा, सेम हाइट वगैरह। उसके बाद आइए देखते हैं इसका कॉमन वॉशरूम कैसा है। और यहाँ देखेंगे किचन के सामने आपको ये ब्लॉक आ रहा है। किचन के बाद जब आप आगे आएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा वॉशरूम। ये इसका कॉमन वॉशरूम है, एक तरफ बेसिन, बीच में शावर एरिया, और दूसरी तरफ कमोड दिया हुआ है। एक बार अंदर से मैं आपको दिखाता हूं, ये आप देखें। और इसके बाद मैं आपको दिखाने जा रहा हूं ये कॉमन वॉशरूम, किचन, हॉल। उसके बाद कॉमन बेडरूम का साइज इसका काफी अच्छा दिया हुआ है। इसमें अटैच्ड वॉशरूम नहीं है, कॉमन बेडरूम, किड्स बेडरूम, गेस्ट बेडरूम, जो भी आप बोल सकते हैं। ये इसकी लेंथ है, सेम 10 फुट की हाइट। उसके बाद करीबन 2 से 3 फुट का बालकनी है इसका।
और सेम ग्रिल वगैरह आपको लगा के देने वाले हैं जो आप देख रहे हैं। इसके बाद चलिए देखते हैं इसका मास्टर बेडरूम कैसा है। और यहाँ से इसका मास्टर बेडरूम स्टार्ट होता है। मास्टर बेडरूम की साइज करीबन 12x13 का दिया हुआ है, ये आप देखें, ये इसका मास्टर बेडरूम का साइज है। और सेम इसमें 2 फुट का बालकनी दिया हुआ है। और जो भी फिनिशिंग आप देख रहे हैं एज इट इज, आपको ये फ्लैट का डिलीवरी मिलेगा। ये इसका मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है, ये देख लें। और अंदर वॉश बेसिन, कमोड, शावर एरिया का जो कॉन्सेप्ट है वो आप समझ लें। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ अंदर के साइड से पूरे फ्लैट का व्यू किस टाइप का है, वो आप एक बार देख लें। यहाँ पे इसका 2 BHK का एंड हो जाता है। अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसका पोजीशन 2025 को है। ये आप देख लें बेसिक जो कैसा काम किया हुआ है, किस टाइप का इसका स्ट्रक्चर है। इस तरह इसका स्टेयरकेस आ गया। एक पब्लिक लिफ्ट दिया हुआ है और एक बड़ा स्ट्रेचर लिफ्ट दिया हुआ है जहाँ पे आप सामान वगैरह शिफ्टिंग करने के काम आएगा। और ये इसका पूरा फ्लोर है, इस तरफ भी आपको 3 फ्लैट का एक्सेस मिल रहा है। अभी मैं आपको 1 BHK का प्रॉपर्टी दिखा रहा हूँ, वंडर पार्क वसई का। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इसका। 2 BHK तो आप अभी देख ही चुके हैं जो मैंने आपको एक्चुअल फ्लैट दिखाया है। 1 BHK का फुली फर्निश में 100 फ्लैट दिखा रहा हूँ, सैम्पल फ्लैट दिखा रहा हूँ। ये इसका लिविंग डाइनिंग एरिया है, इस तरफ दिया हुआ है इसका डाइनिंग लिविंग। और यहाँ पे आपको 2 से 2.5 फुट का बालकनी मिल रहा है। ये इसकी लेंथ है करीबन 16-17 फुट का, 10 फुट की हाइट सेम आपको मिलेगा। और आप एक बार बालकनी देख लें। और ये एक बार विंडो के साइड से पूरे हॉल मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इसके बाद देखते हैं हॉल के आगे किस टाइप का स्ट्रक्चर है। वंडर पार्क वसई ईस्ट का। और इसके आगे आएंगे तो आपको किचन सर्विस, गैस प्लेटफॉर्म सर्विस प्लेटफॉर्म, और बाहर दिया हुआ है वॉशिंग मशीन के लिए ड्राई एरिया। सेम आपको जो दिखाया जा रहा है मॉड्यूलर किचन, अपर कैबिनेट्स, ये एज इट इज आपको बना के मिलेगा। आइए वॉशिंग मशीन का स्पेस आप देख लें जो ड्राई एरिया दिया हुआ है। अभी देखिए बिल्डिंग का काम चालू है तो बाहर कुछ पतरे वगैरह लगे हुए हैं, ये ओपन हो जाएगा बिल्डिंग कंप्लीट होने के बाद, तो पूरा ये खुला खुला व्यू आपको मिल जाएगा। वैसे तो हम लोग अभी 100 फ्लैट में हैं। एक बार मैं आपको उस तरफ से दिखा रहा हूँ, स्टार्टिंग में फ्रिज का स्पेस दे दिया है इन्होंने और वास्तु को काफ़ी अच्छा ध्यान में रखा हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर हिंदू लोकैलिटी के लोगों को यहाँ पे टारगेट किया हुआ है। किसी हिसाब से वास्तु को इतना ब्यूटीफुली ध्यान में रखा हुआ है कि स्टार्ट में दिया हुआ है कॉमन वॉशरूम, उसके बाद फिर किचन से एंट्री दी हुई है। फिलहाल ये ओपन किचन है, ओपन किचन को ये क्लोज किचन करके ही आपको मिलेगा। इस तरफ इसका कॉमन वॉशरूम है। कॉमन वॉशरूम में स्टार्ट में बेसिन, बाथ एरिया यानी शावर एरिया और कमोड दिया हुआ है। एक बार मैं अंदर के साइड से पूरे व्यू दिखा दे रहा हूँ वॉशरूम का किस टाइप का आएगा। अब मैं आपको मास्टर बेडरूम दिखा रहा हूँ। यहाँ से इसका मास्टर बेडरूम स्टार्ट हो रहा है और इस तरफ भी आपको सेम मिल रहा है मास्टर बेडरूम का वॉशरूम। स्टार्ट में बेसिन, उसके बाद कमोड, आगे दिया हुआ है शावर एरिया।
आपको बेडरूम की साइज दिखा रहा हूँ, क्योंकि करीबन 450 स्क्वायर फुट इसका कारपेट एरिया है। उसी हिसाब से आप देखें तो नीचे का फ्लोर का काफ़ी बढ़िया दिया हुआ है, ड्रेसिंग टेबल, साइड टेबल, हेड बेड, प्लस इधर जो बनाया हुआ है सेल्फ वगैरह सब कुछ करने के बाद भी एक 4 से 5 फुट का स्पेस आपको चारों तरफ से यूटिलाइज करने को मिल रहा है। साथ ही साथ 2 फुट की बालकनी भी दी हुई है, स्टैंडिंग बालकनी दिया हुआ है। आप चाहे सिटिंग बालकनी छोटे स्टूल्स या चेयर्स लगा सकते हैं। और विंडो के साइड से वो मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे वार्डरोब का स्पेस बनाया हुआ है 2 से 2.5 फुट का, जो दीवार के अंदर ही है। ये भी एक फ्रीडम आपको मिल जाता है जब ये दीवार के अंदर वार्डरोब बन जाता है तब। इसके बाद मैं अंदर से एक व्यू दिखाता हूँ इस पूरे 1 BHK का। 2 BHK मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ वंडर पार्क का इस फ्लैट से पहले। यहाँ पे इसका फ्लैट ख़त्म हो रहा है और इसके बाद मैं बाहर से दिखाता हूँ कितना बिल्डिंग रेडी हुआ है, क्या इसकी कनेक्टिविटी है, वो सब आगे समझाता हूँ मैं आपको। अभी मैं खड़ा हूँ वंडर पार्क में, आप देखें फुल फ्लैश में काम चल रहा है। सी टाइप का इसका ये देखें PDF, और इसके हिसाब से बिल्डिंग रेडी हो चुका है। ये सी टाइप में पूरा दिया हुआ है, स्ट्रक्चर पूरा रेडी हो गया है, 16 स्लैब हो गया है। मैं अभी खड़ा हूँ 6 जून 2024 का रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ। इसके बाद आप जिस टाइम पे प्रॉपर्टी के लिए परचेस करने के लिए जब आप कॉल करेंगे तो उस दिन डेट क्या होगा, उस दिन क्या प्रॉपर्टी अवेलेबल होगा, क्या कंस्ट्रक्शन स्टेज होगा, वो हम समझेंगे। फिलहाल 6 जून 2024 में मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, इस डेट का अपडेट मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी मैं खड़ा हूँ वंडर पार्क में, यहाँ कुछ शॉपिंग भी है, दुकानें भी है जो बेचना है। 400 से 600 स्क्वायर फुट भी है, कोई फर्स्ट फ्लोर पे गाले भी हैं, ऑफिस स्पेस भी है जो करीबन 60-65 लाख से शुरुआत हो रहा है, 1.5 करोड़ 2 करोड़ तक है। डिपेंड आपका जो इन्वेस्टमेंट का बजट है उसके हिसाब से बात कर सकते हैं। अभी मैं खड़ा हूँ वंडर पार्क के जो मेन रोड साइड से क्या व्यू आ रहा है ना, कैसा बिल्डिंग बना हुआ है, ये आप देखें। कुछ गाले जो रेडी हैं, फर्स्ट फ्लोर पे भी कुछ स्पेस है, कमर्शियल स्पेस है, ऑफिस स्पेस है, और ये बिल्डिंग जो 16-17 माला कंप्लीट हो चुका है। और सामने आपको फादरवाड़ी रोड है जहाँ से ट्रैफिक जा रहे हैं। अब आइए इसका सब डिटेल में समझते हैं, क्या इसका साइजिंग, प्राइजिंग और कनेक्टिविटी, फैसिलिटी, 70s वगैरह क्या है, वो सब देखते हैं। Welcome to Property Plaza, your trusted partner in real estate. Based in Mumbai, we collaborate with the city's top developers to bring you premier properties that fit your lifestyle and investment needs. Whether you're looking for a luxurious apartment, commercial space, or resale flats, we believe in creating lasting relationships through trust and transparency. With a dedicated team of 100 professionals and over 4,000 satisfied customers, we provide expert guidance and unparalleled service. Join us on a journey to find your perfect property. The best real estate company, Property Plaza, Vikas Banwar. अभी जो प्रोजेक्ट मैंने आपको दिखाया है कुछ फोटोग्राफ और वीडियोस के जरिए वंडर पार्क का, इसका मैं डिटेल आपको बता दूं। ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है और वंडर डेवलपर ये कंपनी का नाम है जो ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं। लोकेशन इसका फादरवाड़ी रोड बसई ईस्ट में, बहुत फेमस है फादरवाड़ी रोड, जहाँ से स्टेशन और हाईवे की कनेक्टिविटी आपको बहुत अच्छी मिल जाती है। और कंपनी करीबन 15 से 20 साल पुरानी कंपनी है, इनके कुछ प्रीवियस प्रोजेक्ट भी है मैं आपको बता दूं, जिसमें वंडर रेसिडेंसी बसई, ऐसे इन्होंने 1-2 प्रोजेक्ट किया हुआ है, बट एक अच्छा इनका नाम है। कहीं पे भी जो भी 1-2 प्रोजेक्ट उन्होंने किया है वहाँ पे टाइम टू टाइम डिलीवर किया है, कस्टमर सारे खुश हैं। इसके लिए मैं भी ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि हम लोग अपने चैनल पे जो अधिकतर प्रमोशन करते हैं ना, जिस बिल्डर का रिकॉर्ड टाइटल क्लियर है उसका ही अधिकतर काम करते हैं हम लोग। अब आते हैं इस प्रोजेक्ट पे डिटेल पे। 1.5 एकड़ यानी कि 1.5 एकड़ का इसका लैंड एरिया है, फ्री होल्ड लैंड है इसका। 65% में कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, 35% ओपन दिया हुआ है, जहाँ
यहाँ पे कुछ एमिनिटीज, कुछ पार्किंग का प्रोविजन किया हुआ है। 18 माले का दो टावर है इसमें, 18-18 स्टोरी दो विंग्स हैं, हर एक फ्लोर पे 9 फ्लैट, 2 हाई स्पीड लिफ्ट और एक स्टेयरकेस है। टोटल फ्लैट इस पूरे कॉम्प्लेक्स में 297 यानी कि 297 फ्लैट का पूरा ये कॉम्प्लेक्स है, जिसमें सीलिंग की हाइट लगभग 10 फुट का है। रेसिडेंशियल इसका स्टार्ट हुआ है फर्स्ट फ्लोर से। एमिनिटीज कुछ इसके रूफटॉप पे है और कुछ ग्राउंड फ्लोर पे है। स्टेक पार्किंग ग्राउंड फ्लोर पे दिया हुआ है। कंस्ट्रक्शन का जो अभी इसका जो स्टेज है 16 माला यानी कि 16th स्लैब इसका बन चुका है और 80% करंट ड्यू चल रहा है। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं 80% पेमेंट आपको करना है, चाहे आप लोन करके लें चाहे आप सेल्फ फंड हो। रेरा के वेबसाइट पे अगर आप कुछ डिटेल देखना चाहते हैं, वैसे तो रेरा का नंबर मैं आपको दे देता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मैं आपको इसी वीडियो में ही दिखा देता हूँ, जिसमें कि ये इसका सीसी है, ये इसका 712 है और ये इसका फ्लोर प्लान है, ये इसका ब्लूप्रिंट प्लान है, ये इसका मास्टर प्लान है, ये इसका फ्लैट प्लान है और ये इसका फ्लैट डिलीवरी डेट यानी कि पोजीशन डेट है। तो ये सब कुछ चीजें तो मैं आपको वीडियो में ही बता दे रहा हूँ। अगर इन डिटेल आपको जाना है और देखना है तो मैं आपको रेरा नंबर दे देता हूँ। रेरा के वेबसाइट पे आप इस नंबर के थ्रू सारा ब्रीफ देख सकते हैं, जिसमें इसका रेरा नंबर है P99000299971। रेरा में इसका पोजीशन डेट December 2028 है, जो आपने डॉक्यूमेंट में देखा ही है, बट डेवलपर आपको March 2025 में ही डिलीवर कर देंगे। वैसे तो भले टाइम कुछ भी हो, बिल्डर को जल्द से जल्द रहती है प्रोजेक्ट बना के देने के लिए, क्योंकि इनका पूरा पैसा जो है ना रेरा में स्टक रहता है। जब तक ये बना के हैंडओवर करेंगे नहीं, तब तक रेरा से इनका पैसा रिलीज होता नहीं है दोस्तों। और भी बहुत सारे नॉर्म्स हैं जिसके वजह से इनको ज्यादातर बिल्डर देखेंगे तो हमेशा आपको साल, दो साल, तीन साल पहले ही डिलीवर कर देते हैं। आज के डेट में कंस्ट्रक्शन में ये हर जगह चल रहा है। पूरे टावर का सीसी रिसीव्ड है और रेरा के वेबसाइट पे अगर QR कोड के थ्रू जाना चाहते हैं तो ये इसका QR कोड है। इस QR कोड को स्कैन करें आप गूगल स्कैनर से और इजिली रेरा के वेबसाइट पे जाके सभी चेक कर सकते हैं। ये फ्लैट जो इसमें मिलेगा आपको माउंटेन व्यू और सिटी व्यू फ्लैट मिलेगा। टोटल हिंदू लोकैलिटी के लोग ज्यादातर इसमें। सारे बैंकों से लोन मिल जाएगा, जिस भी बैंक से आपको लोन लेना है, जहां पे भी आपका सर्विस अकाउंट हो, बिजनेस अकाउंट हो, आसानी से आपको लोन मिल जाएगा। एमिनिटीज भी समझ लें, क्योंकि फ्लैट के साथ आप एमिनिटीज भी खरीदते हैं। टेरेस गार्डन दिया हुआ है, गेम जोन एंड टॉडलर्स प्ले एरिया है, ग्रैंड एंट्रेंस लॉबी है, फिटनेस सेंटर है, स्काई गजेबो, जिमनासियम, योगा सेंटर, साइकिलिंग, जॉगिंग ट्रैक, फैमिली फंक्शन एरिया, सीनियर सिटीजन एरिया, किड्स प्ले एरिया, काउंटर सर्विस, ये सब कुछ और भी एमिनिटीज हैं, बट मैंने जो जो यहाँ पे दिया है मेन वो मैंने आपको बताया। कनेक्टिविटी यहाँ से 2 से 10 मिनट के अंदर आप सेंट्रल मॉल, डी मार्ट, विद्या विकासनी हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, जेवी लुधानी हाई स्कूल, होली फैमिली कॉन्वेंट स्कूल, वर्तक कॉलेज, 15 से 20 मिनट के अंदर आप ऐसे रेलवे स्टेशन, कैपिटल मॉल, PVR सिनेमा, रिलायंस स्मार्ट बाजार, दत्तानी स्क्वायर मॉल और 1 से 1.5 घंटे के अंदर आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट आप रीच कर जाते हैं दोस्तों। अब इसमें जो प्रॉपर्टी और कॉन्फ़िगरेशन यानी कि क्या क्या इसमें कॉन्फ़िगरेशन है, 1 BHK, 2 BHK क्या बना रहे हैं, जोड़ी फ्लैट क्या है, प्राइसिंग क्या है, उस पे मैं आने से पहले कुछ आपको इंपॉर्टेंट बात बता दूं दोस्तों। 2-3 चीजें आप ध्यान रखें कि बहुत बार कस्टमर्स क्या है ना, हमारे पूरा डिटेल देखने के बाद, प्राइसिंग देखने के बाद चले जाते हैं, फिर उनको प्राइसिंग नहीं मिलता। क्योंकि क्या होता है, आपका नेगोशिएशन, आपका जो खरीदने का जो कैपेसिटी बहुत कम होती है। क्योंकि एक छोटा सा बात समझे कि मैं यानी कि मेरा जो फर्म है, हमारा जो फर्म है प्रॉपर्टी प्लाजा, हम लोग खुद 100-150 लोगों की टीम है। हम लोग क्या करते हैं, एक डेवलपर का 8 से 10 कंस्ट्रक्शन एक बार में चल रहा होता है अलग अलग जगह पे, और हम लोग का जो सेलिंग कैपेसिटी है ना, करीबन 100-200 फ्लैट सेल करते हैं उनका हर महीने, हर साल। तो उसमें क्या होता है, जब हम बल्क में प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो उसी के हिसाब से हम प्राइसिंग के लेके भी बहुत सेंसिटिव रहते हैं। आप एक बात ध्यान में रखें कि जब आप 100-200 फ्लैट का सेल करवाते हैं तो डेवलपर समझता है कि कहीं ना कहीं 100-200 करोड़ का टर्नओवर है, तो यहाँ पे मैं प्राइस को लेके अपने हिसाब से बात करते हैं। पर स्क्वायर फुट जो मार्केट में बिक रहा है उससे 1,500 रुपए पर स्क्वायर फुट कम में हमेशा हम लोग हमारे कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं एज ए होलसेल के हिसाब से। आप 1 या 2 प्रॉपर्टी लेंगे तो इतना नेगोशिएशन नहीं कर पाएंगे। तो एक बात ध्यान रखें, हमारे जो CP फर्म के थ्रू जाने में ये बेनिफिट होगा, हमारे साथ में जितने लोगों ने प्रॉपर्टी लिया है आज तक दोस्तों, हमेशा उनको 2-5 लाख-10 लाख रुपए कम प्राइस में हमने उनको घर दिलवाया है। कम से कम 4 से 5 हजार फ्लैट अभी तक हम लोग हमारी कंपनी में सेल कर चुके हैं, 5 हजार फैमिलीज को घर दे चुके हैं, लेकिन एक भी सिंगल आपको ये नहीं मिलेगा कि ज्यादा प्राइस। हमेशा हम लोगों ने 1 लाख-2 लाख-5 लाख-10 लाख रुपए कम में डील करवा के दिया है, एक बात ये। और इसका बेनिफिट कैसे मिलेगा आपको, ये एक मिस्टेक हमारे कस्टमर कुछ कर रहे हैं कि जब ये वीडियो देखने के बाद ये सब टर्म्स एंड कंडीशंस
समझने के बाद वो फर्स्ट बिल्डर के पास चले जाते हैं और फिर एक बार बिल्डर के CRM में टैग हो जाते हैं, फिर वो हमारे पास आते हैं कि विकास जी हमें क्या प्राइज मिलेगा, कितना क्या मिलेगा। दोस्तों एक बार बता दूं, आपको पहली बार जब आप जाते हैं तब हमारी सेल्स टीम के साथ में जाइए, तभी उसका बेनिफिट मिलेगा। बिल्डर के सिस्टम में एक बार टैग होने के बाद बिल्डर का कहना रहता है, डेवलपर का कहना रहता है, हमारे डायरेक्ट कस्टमर हैं, आप इसमें कुछ मत करिए। तो उसके बाद हम लोग कुछ कर भी नहीं पाते, वो होलसेल का बेनिफिट हम आपको दिला भी नहीं पाते। साथ ही साथ सर्विस, आपको एक रुपया भी कहीं ब्रोकरेज देना होता नहीं है, कोई चार्जेस देना नहीं है, आपको एक एक्स्ट्रा सर्विस देने वाला भी मिलता है, प्राइजिंग में भी कम मिल जाता है। साथ ही साथ डॉक्यूमेंट्स को लेके, एप्रिसिएशन को लेके, सर्विस को लेके, हर चीज में आपको सपोर्ट मिलता है। दोस्तों हमारे कई सारे इन्वेस्टर हैं, वो भले प्रॉपर्टी कहीं भी देखे हों, लेकिन आखिरकार वो विकास जी किसी को भी भेजिए साथ में, आपके नाम पे काम करना है। इस तरह की चीजें मार्केट में देखने को हमें मिल रहा है। तो कभी भी आप जाएं तो हमारे सेल्स टीम के साथ में जाएं, हमें फोन करें, हम आपके लिए एक सेल्स पर्सन अपॉइंट करेंगे, उनके साथ में आप जाएं प्रॉपर्टी लेने के लिए फर्स्ट टाइम, पहली बार, तभी हम आपके लिए कुछ कर पाएंगे। दूसरी बात, बॉटम प्राइस भी देखिए पता नहीं होता है आपको, जो होर्डिंग बोर्डिंग रोड पे लगता है ना वो भी डिफरेंट होता है, और जो देने वाली बिकने वाली जो प्राइस होती है वो बहुत अलग होता है, किसी किसी में तो 20-25% तक नेगोशिएट होता है। तो वो सब भी ध्यान में रखें, क्योंकि बहुत बार देखा हूं कि कस्टमर जब डायरेक्टली जाते हैं तो बहुत लॉस उठा के आते हैं, बाद में आते हैं तो पता चलता है कि ये प्रॉपर्टी इतने का है, तब तक मालूम पड़ता है कि अच्छा खासा अमाउंट दे चुके हैं, रजिस्ट्रेशन दे चुके हैं, अब क्या होने वाला है। तो इस चीज से थोड़ा सेंसिटिव रहें। अब अभी जो मैं प्राइस बता रहा हूं, ये बिल्डर का एक कोटिंग प्राइस है। अभी क्या है, मैं आपको वीडियो में जो उसका हमारा जो होलसेल का प्राइस जो है, बॉटम प्राइस यानी कि हम जो फाइनल प्राइस करेंगे वो हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये प्राइस सुनने के बाद कस्टमर बहुत बार देखा है कि डेवलपर से फाइट करने जाते हैं, फिर डेवलपर का एक्शन हमारे ऊपर होता है, क्या आप हमारे सारे कस्टमर से ऐसा कैसे बात कर रहे हैं। तो दोस्तों अभी मैं बिल्डर का कोटिंग प्राइस बता रहा हूं, बट फ्लैट खरीदने के लिए आप हमें फोन करें, एक्चुअल इसका बॉटम प्राइस कितना होगा, क्या होगा, उसके बाद हमारी सेल्स टीम, हमारे बैक ऑफिस टीम आपको पूरी मदद करेगी। मैं भी कभी रहूंगा तो मैं भी आपसे पर्सनली बात करूंगा, कभी आप ऑफिस पे आइए। आप जानते हैं इसमें 1 BHK और 2 BHK दो टाइप की प्रॉपर्टी है, तो इसमें 1 BHK की जोड़ी भी आपको मिल जाएगा, 1 और 2 BHK का जोड़ी फ्लैट भी आपको मिल जाएगा। 1 BHK टेरेस यानी बिग बालकनी के साथ में है, जिसके कारपेट एरिया 452, 454, 456, 481, 487 और 495, 452, 454, 456, 481, 487 एंड 495, ऐसा अलग अलग साइज में करीबन 6 टाइप में यहाँ पे 1 BHK बना हुआ है, और जिसकी फ्लैट कॉस्ट यानी कि प्राइस की बात करूं 38 लाख से लेके 45 लाख के बीच में अलग अलग साइज है। अब मैं उतना आपको नहीं बता रहा हूँ, एक मोटा मोटी आप ये समझ लें लमसम कि आपको फ्लैट 1 BHK लेना है तो ये प्राइस के नियर बाय आएगा। वहां पे जाके जो हम नेगोशिएट करेंगे वो बिल्कुल अलग होगा, कितना नेगोशिएट करवाऊंगा वो मैं, आप फोन करें तो हम आपको बताएंगे। अब 2 BHK जिसमें उसमें भी बड़ी बड़ी बालकनी के साथ बना रहे हैं, उसमें दो साइज है, 705 एंड 710, 705 एंड 710 स्क्वायर फुट का 2 BHK है, जिसका फ्लैट कॉस्ट 59 लाख से 65 लाख के बीच में है, और ये भी प्राइस एक टेंटेटिव प्राइस है, एक्चुअल प्राइस क्या है उसके लिए आप हमें फोन करें। और इसमें पार्किंग लेना चाहें तो कवर्ड पार्किंग 5 लाख का है, स्टेक पार्किंग 4.5 लाख का है, और ये जो फ्लैट कॉस्ट मैंने दिया है इसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, GST वगैरह आपको अलग से आएगा। दोस्तों बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है ना, मेरे वीडियोस से नॉलेज लेने के बाद डायरेक्ट वो डेवलपर के पास चले जाएंगे तो उनका ब्रोकरेज या ऐसा कुछ फीस बच जाएगा। दोस्तों एक बात तो याद रखें, आप ज्यादा से ज्यादा जाएंगे ना तो एक या दो फ्लैट लेंगे। हम लोग बिल्डर का साथ जब काम करते हैं तो 100-250 फ्लैट बेचते हैं, और जब हम डील करते हैं ना स्टार्ट में, जब लोग प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं उसी टाइम पे हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हम लोग 100 फ्लैट बेचेंगे, 200 फ्लैट बेचेंगे या 50 फ्लैट बेचेंगे, तो हमारे कस्टमर को स्पेशली ये होलसेल का प्राइस मिलना है। आप उनको 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ रुपए देंगे, हम लोग उनको 100-150 करोड़ रुपए देंगे, तो हम लोग जो नेगोशिएट उनके साथ कर सकते हैं ना वो आप नहीं कर सकते। दोस्तों एक बात ध्यान रखिए कि डेवलपर के साथ वैसा हम लोग डील करते हैं होलसेल में, तो उसमें जो हम लोग प्रॉफिट होता है ना वो डायरेक्ट हम लोग कस्टमर से शेयर करते हैं कि ज्यादा ज्यादा हम लोग डील करके दें, कस्टमर को भी प्रॉफिट हो, बिल्डर को भी एक मोटा अमाउंट जाए और उसका बेनिफिट हम लोग को भी मिले। तो ये आप याद रखें। साथ ही साथ हमारे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो एक एक बार में 10-10, 20-20 करोड़, 50-50 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो मैं देखा हूं कि वो लोग प्रोफेशनल CP यानी एजेंट या एडवाइजर को साथ में लेके ही जाते हैं, भले उन्होंने ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं से भी इन्फॉर्मेशन मिला हो, लेकिन जब वो प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो एक प्रोफेशनल को साथ में लेके जाते हैं। उन्हें पता होता है कि एक प्रोफेशनल आदमी हमारे साथ में रहेगा तो कभी भी किसी भी मैटर पे वो डिस्कस कर सकता है, समझ सकता है और हमें एडवाइस भी कर सकता है। मेरे काफी सारे ऐसे कस्टमर हैं जो उल्टा 5-5, 10-10 लाख रुपए ज्यादा देके आ चुके हैं, उनको प्राइस पता नहीं चलता है। बिल्डर जो प्राइस आपको होर्डिंग बोर्डिंग पे लगाते हैं, ऑनलाइन शो करते हैं या ऑफलाइन होर्डिंग बोर्डिंग पे दिखाते हैं, वो प्राइस नहीं रहता, एक अच्छा खासा उसमें नेगोशिएशन होता है और आपको बॉटम प्राइस नहीं मालूम होता है। बिल्डर जब प्राइस लॉन्च करते हैं उसी टाइम हमारे साथ ओपन कर देते हैं कि मैं इतना रुपए पर स्क्वायर फुट में सेल करूंगा,
उसके बाद जब वो होर्डिंग बोर्डिंग लगाते हैं तो 20-30% बढ़ा के प्राइस लगाते हैं। हम लोग जब डील करते हैं तो उनके बॉटम प्राइस में डील करते हैं। हमारे सारे कस्टमर को मैंने 5-5, 10-10 लाख रुपया बचाया है एक एक डील में। तो आप कभी भी प्रॉपर्टी लेने जाते हैं ना, तो एक प्रोफेशनल के साथ जरूर जाएं जिसकी एक अच्छी नॉलेज हो, अच्छी पकड़ हो, डेवलपर के साथ उसके इंटरनल रिलेशन हो। साथ ही साथ आपके जो बजट है, आपके बजट में क्या बेस्ट उस एरिया में आने वाला है या उस एरिया में आ रहा है, उतना प्रोजेक्ट का सर्वे भी आपके पास नहीं होता है। एक जो प्रोफेशनल सीपी यानी चैनल पार्टनर होता है, या आप समझ लें तो प्रॉपर्टी एडवाइजर या ब्रोकर होता है, उसको वहां के आसपास का प्रॉपर एप्रिसिएशन क्या आएगा, डेप्रिसिएशन क्या आएगा, साथ ही साथ प्रोजेक्ट का सर्वे, आपको एक या दो प्रोजेक्ट के बारे में मालूम होगा, वो जो सालों से काम कर रहे हैं उनको उस पर्टिकुलर लोकेशन में 20-30-50-100 प्रोजेक्ट जो भी चल रहा है सबका मालूम है। तो वो आपको एक प्रॉपर एडवाइस करेंगे कि यहाँ पे आप लो, ये अच्छा एप्रिसिएशन भी आएगा साथ ही साथ इसकी वैल्यू सही है। दोस्तों ऐसा मैंने देखा है, काफी सारे लोग ज्यादा पैसा देके भी कई बार आ चुके हैं, ऐसा मेरा कई एक्सपीरियंस हो चुका है जो मैं इस वीडियो के जरिए आपको शेयर कर रहा हूँ। बाकी डेवलपर के पास इतना टाइम नहीं होता है, वो भी एक सेल्स टीम लगाता है सेल करने के लिए। बिल्डर के पास आप डायरेक्ट जाके जब विजिट कर लेते हैं ना, तो उसके बाद फिर मेरे कई वीडियो देखने के बाद लोग हमें फ़ोन करते हैं कि विकास जी आपका प्राइस बहुत सस्ता है, बिल्डर का मेरे को जो लोगों ने दिया है वो ज़्यादा महंगा दिया है। दोस्तों बिल्डर के पास एक बार विजिट कर लेते हैं तो आपके नाम से वहाँ पे टैगिंग हो जाती है, उनके सॉफ्टवेयर में आप ऐड हो जाते हैं, उसके बाद कोई भी सीपी या हम कुछ नहीं कर सकते। तो बेहतर है कि जब आप जाएं तो फर्स्ट टाइम हमारे किसी सेल्स पर्सन के साथ में जाएं, तो ही हम आपके प्राइसिंग के लिए बात कर पाएंगे, सर्विसेज के लिए बात कर पाएंगे। हम लोग एज ए चैनल पार्टनर बिल्डर के पेरोल पे काम करते हैं, कस्टमर के लिए 0% ब्रोकरेज में हमारी पूरी टीम काम करती है। जो आप हमसे बुकिंग करवाते हैं तो आपको कुछ भी पेमेंट देने की जरूरत नहीं है। दोस्तों साथ ही साथ होम लोन के लिए भी काम करते हैं, उसमें भी फ्रैंकिंग चार्ज और प्रोसेसिंग चार्ज में भी काफी अच्छा डिस्काउंट करवा के देते हैं। आज जो मैंने प्रोजेक्ट दिखाया इस वीडियो में आपको वंडर पार्क का, उसका डिटेल बस इतना ही। इस तरह के नए नए प्रोजेक्ट का इन्फॉर्मेशन मैं हमेशा मेरे चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल पे लेके आता रहता हूं। आप अगर घर बैठे सारा इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इसका बेनिफिट ये होगा कि जब भी मैं कोई ऐसे फायदे वाली प्रॉपर्टी डालूं, कभी कभी बिल्डर जो नया लॉन्च करते हैं, प्री लॉन्च करते हैं, प्री लॉन्च पे तो देखें हमेशा 10-30% प्रॉपर्टी का प्राइस ऐसे ही कम रहता है। प्री लॉन्च के सारे वीडियोस आपको मिल जाएगा, सारे प्रोजेक्ट के वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। रीसेल बैंक ऑप्शन प्रॉपर्टी जो हमेशा 30-40% डिस्काउंट पे रहता है। ये जो यूट्यूब वीडियोस है जिस जिस कंट्री में चल रहा है, सारे के कोई इन्वेस्टर्स हैं, कोई अगर अर्जेंट सेलर हैं तो हमारे पास फोन करते हैं, विकास जी हमारा ये प्रॉपर्टी सेल करने का है, 10-20 लाख रुपए कम भी मिलेगा तो चलेगा। ऐसे में क्या होता है कि जिनको पैसे अर्जेंट चाहिए रहता है उनको पैसा मिल जाता है, जिनको प्रॉपर्टी सस्ते में चाहिए रहता है उनको प्रॉपर्टी मिलता है। इस तरह के मैंने हजारों प्रॉपर्टीज फायदे में दिया है लोगों को। इस तरह की फायदे वाली प्रॉपर्टी अगर आप भी परचेस करना चाहते हैं तो हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पे फोन करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। कभी आपको ऑफिस पे आना हो तो ये हमारा ऑफिस का एड्रेस है, यहाँ पे आप आ सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं डायरेक्टली और हमारी टीम और हमारे जगह को देख सकते हैं। और ये राउंड बटन दबा के हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें आगे की वीडियो देखने के लिए। और ये दो वीडियो जो आप वीडियो देख रहे हैं इसी से रिलेटेड और भी दो प्रोजेक्ट का वीडियो मैंने यहाँ पे लगाया है ऊपर और नीचे, इसे भी आप क्लिक करके जरूर देखें। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों।